मैं कह रहा हूं कि आप जिसको फांसी देना चाहो देते रहो, मुझे मेरा काम नहीं है। मेरा ये कहना है कि उन कर्मचारियों को काम लेने वाले कौन थे, याद रख लेना, मोर्चे पर सिपाही हारता है और युद्ध सेनापति हारता है। मोर्चे नहीं हारे हो नीतीश कुमार, तुमने प्रकृति के खिलाफ जो आवश्यक युद्ध था उस वार को हारे हो। सेनापति के रूप में तुम पर यह दोष जाता है, तुम्हारी संस्थाओं को। इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं सर आपको? मैं तो भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा विषय थे, आप लोगों की भी दिलचस्पी है, जो सवाल करने में नहीं कुछ जानने में, तो हमको कहिए कि काफी बार नीतीश कुमार से इस्तीफा आरजेडी क्यों नहीं मांगना चाह रही है, क्यों नहीं लेना चाह रही है? क्या नीतीश कुमार से इस्तीफा इस मामले पर क्यों नहीं मांग रही है? सवाल है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ कि सेनापति तुम युद्ध हारे हो, और सेनापति युद्ध हारता है तो उसके रुतबे ऐसे नहीं रहते हैं कि फिर से वो नेतृत्व करें, उसकी सेवा करना चाहिए। पढ़ी लिखी बिहार की आबादी है, रहती है, जो सवाल इस वर्षा ने खड़ा किया है, उस वर्षा के सवाल का हल क्या था ये भी मैंने बताया है, उस वर्षा का भविष्य में क्या हल हो सकता वो भी मैंने बताया है, और 40-42 सालों से वेल प्रोटेक्टेड फ्लड से या और वर्षा से पटना में एक त्रासदी मैन मेड है, आसमान पर छाया नहीं है। आप सोचोगे ये पटना जो हमारे तटबंधों से घिरा है, इसका भूगोल नहीं बड़ा है कि भूगोल के अंदर चाहे जितने मकान बन गए हैं, जितनी ऊंची हवेली बन गई हो, जितने हमारे मॉल बन गए हों, लेकिन हमारा भूगोल नहीं बना। भूगोल उस भूगोल के भीतर आसमान उतना ही है और बारिश वही है, तो उस बारिश में जो भी पानी इस नगर में आया तुमने निकाला क्यों नहीं, जबकि सारे साधन मौजूद हैं।